गुरुकुल के इस लाइव लेक्चर सीरीज में आप सारे लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम एक बार फिर से रुद्रदामा का अभिलेख आपके सामने लेकर आए हैं और इसकी चर्चा करेंगे। हम स्मरण में लाएं कि पीछे हमने क्या क्या किया है। हमारी पूरी सूची है जिसमें हमने अभी इसको इंट्रोडक्शन लिया, इसका रुद्रदामा के अभिलेख का। पर्पस ऑफ द इंस्क्रिप्शन, अर्थात इस इंस्क्रिप्शन के लिखे जाने का उद्देश्य क्या था, इसकी चर्चा की है। हमने सुदर्शन लेख को भी जानने और समझने की कोशिश की है। आज सविशेष में आप लोगों के सामने रुद्रदामा के अभिलेख का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट लिखा गया है, जिसको पढ़ने के बाद इतने सारे ऐतिहासिक विमर्श हुए हैं, हम उसकी चर्चा आप लोगों के सामने आज करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और इसके विषय में हम लोग सूचना ले लेते हैं कि क्या क्या है ये, हमने क्या क्या देखा है कि ये वेस्टर्न साइड ऑफ द जो माउंटेन है, जिसे हमने रेवतक पर्वत आपके सामने नाम दिया था और आज भी रेवतक पर्वत आप अगर गूगल करें तो उसमें आपको मिलेगा। इस पर्वत के ऊपर में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अभिलेख, एक सुदर्शन झील का निर्माण किया था। उसी सुदर्शन झील के का जो प्रथम जीर्णोद्धार है वो अशोक ने करवाया था, जो वहां के एक चट्टान पे ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है। उसी के नीचे रुद्रदामा का अभिलेख है और साथ में स्कंदगुप्त का भी अभिलेख वहां पर हमें प्राप्त होता है। जिस अभिलेख को आज हम पढ़ेंगे उसकी लिपि तो ब्राह्मी है लेकिन उसकी भाषा विशुद्ध संस्कृत है और संस्कृत भी गद्यात्मक संस्कृत है। उस काल में जबकि पद्य बहुत ही प्रमुख था, उस काल में गद्य में इस प्रकार लिखा जाना यह अपने आप में एक हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व का विषय होता है, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से, काव्य की समालोचना की दृष्टि से। इसी प्रकार हम आगे इसकी चर्चा को लेते रहेंगे लेकिन आज प्रारंभ करते हैं मूल टेक्स्ट, मूल भाषा। सिद्धम इदम तडाकम सुदर्शनम। मित्रों, आप देखेंगे कि सबसे पहला शब्द है इसमें सिद्धम। यह एक परंपरा है। अगर हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सिद्धम का मतलब होता है सिद्ध हो गया, लेकिन यहां हम सिद्धम भवतु समझें, इससे सिद्ध हो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा रही है, जिसमें कि हम पुनः पुनः देखते हैं कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में एक शुभ चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, या तो ओम लिख देते हैं, या स्वस्तिक लगाते हैं, या कमल का फूल लगा दिया, या इसी प्रकार अपने अपने मन से हम कोई शुभ चिन्ह बना लेते हैं जिस चिन्ह को लिखते हैं। प्राचीन काल में उसी परंपरा का यह अंश है जहां पर कि हमने सिद्धम लिखा देखा है, यह सिद्धम प्राप्त होता है। हम इस सिद्धम को मंगलवाची समझें और यह एक प्रकार से विषय है सिद्ध हों, अर्थात आप जिस कार्य में लगे हुए हों वह कार्य पूर्ण हों। हम इसे व्याकरण की दृष्टि से नहीं बल्कि उस चिन्हात्मक परंपरा से, जो साइन एंड साइनेज की जो परंपरा आज भी चल रही है, हम उससे उसको लेकर के चलेंगे। मूल यहां से प्रारंभ होता है, इदम तडाकम सुदर्शनम। यह तडाक, अर्थात तडाक यद्यपि आज के संदर्भ में देखें तो तडाक तालाब को कहते हैं, और चूंकि यह कृत्रिम झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, इसीलिए हम इसे एक विस्तृत, एक विशाल झील के रूप में तो नहीं देखते हैं, इसीलिए कदाचित लेखक ने यहां पर तडाक शब्द प्रयोग किया है क्योंकि उस परंपरा में, उस परिपाटी में यह प्रयोग में था। मित्रों, एक इससे पहले और सूचना दे दूं कि जब ये टेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में सविशेष हमने आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे ब्रैकेट में लाल में, कुछ लाल रंग में कुछ शब्द हमने डाल रखा है। जैसे इसी में आप पाएंगे गिरी नगरा द पूरा है, उसके बाद ब्रैकेट में पाएंगे पी दू। हम इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और मैंने पीछे यह सूचना दी थी कि इस अभिलेख में कहीं कहीं हमें वाक्य और शब्द टूटे हुए प्राप्त होते हैं, जिसका कारण भी बताया था। समटाइम्स ये क्या होता है, ये इरोजन के कारण होता है, आंधी हवा के झोंकों से शब्द टूट जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो लोकल वहां के होते हैं उनके दुष्प्रभाव से होते हैं, कोई पत्थर फेंक देते हैं, कोई लाठी इस पे मारते हैं, जिनसे कि शब्द टूट जाते हैं। गर्मी के कारण भी पत्थर जो होते हैं जिसको दरकना कहते हैं, दरकते हैं, तो शायद उसके कारण भी इसका प्रभाव रहा होगा कि कुछ शब्द वहां टूटे हुए मिलते हैं, जिसे कि अपने कल्पना से, अपने एक अनुमान से इतिहासकारों ने और संस्कृत के विद्वानों ने मिलकर के कल्पना में लाया। जो शब्द टूटे हुए हैं उसकी जो कल्पना की गई है उसे हमने यहां पर ब्रैकेट में रखा है। तो आप पाएंगे कि गिरी नगराध द पूरा है और लास्ट में एक शब्द आ रहा है रम, जिसके बीच का शब्द टूटा हुआ है। अब कवियों ने, लेखकों ने, जैसा मैंने कहा, इतिहासकारों ने कल्पना की कि यहां पर पी
और दूर शब्द अगर हम लगा देते हैं तो यह वाक्य बन जाएगा गिरि नगरादपि, अर्थ बन रहा है व्याकरण की दृष्टि से दूरम, यानी गिरि नगर से भी यह क्या है, यह गिरि नगरादपि दूरम। लेकिन मुझे लग रहा है यह पिदूरम शब्द जो है यह उचित नहीं है, क्योंकि यह एक पाठ है, एक अन्य पाठ मिलता है हम जहां पर विदूरम कहते हैं, यानी गिरि नगरादपि दूरम अर्थात गिरि नगर से दूर नहीं, विदूर यानी बहुत दूर, और अविदूर अगर लगा देते हैं तो नजदीक अर्थ हो जाता है और अर्थ तब बनेगा गिरिनगर से भी, गिरिनगर से नजदीक, गिरिनगर के निकट। लेकिन जो पाठ हमने यहां प्रयोग में लाया है, ये पाठ चूंकि मेरा नहीं है, हमने भी किसी अन्य जगह से उद्धृत किया है जहां पर कि उसमें मूल रूप से पिदूरम लिखा हुआ है, और मैं इसके विरोध में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि पिदूरम शब्द अगर लेके चलेंगे तो यह अर्थ हो जाएगा बहुत दूर, यानी गिरिनगरादपि दूरम, गिरिनगर से भी दूर, ऐसा है नहीं। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गिरनार जो आधुनिक गिरनार है उससे बहुत ही नजदीक है, इसलिए यहां पर अविदूरम शब्द होना चाहिए, यानी गिरिनगराद विदूरम, विदू ब्रैकेट में विदू होना चाहिए, यह एक पाठ है। इसीलिए हम इसमें एक और संकेत देते हैं कि जिस जो हम ब्राह्मी लिपि जानते हैं, जो ब्राह्मी लिपि का पठन पाठन करते हैं, उसमें एक दोष आता है। वो दोष क्या होता है कि धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि का भी विकास हुआ, जो अशोक कालीन ब्राह्मी है, जो रुद्रदामा कालीन ब्राह्मी है, जो गुप्त कालीन ब्राह्मी है, और जो हर्षवर्धन कालीन ब्राह्मी है, इन सारे काल के ब्राह्मी लिखे जाने में कहीं ना कहीं पाठ भेद होता है। हम आप स्वयं आप देखें कि जब हम ब शब्द लिखते हैं, ब बहुत वाला ब, और हाथ से लिखते हैं, और हमारी कलम जब ऊपर में रेखा देते हैं ब के ऊपर में, और वो रेखा थोड़ी नीचे लग जाती है, तो वह ब श बन जाता है, षटकोण वाला श बन जाता है, यानी अगर बीज लिखा तो वो शीज बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लें कि हम लोग ख लिखते हैं, ख में जो र का संकेत है अगर वो हम मिलाते हैं तो पूरी तरह से वो ख पढ़ा जाता है, लेकिन ख में जो र और व है अगर दोनों में डिस्टेंस हो जाता है तो वही ख रव बन जाता है। तो मित्रों, जब भी अभिलेख पढ़ा जाए या किसी भी भाषा को या किसी भी लिपि को पढ़े जाए तो उनकी मौलिकता और उनके अर्थ जो है उनको हमें ध्यान में लेकर के ही उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि ये पीदू ना पढ़ करके इसे विदू पढ़ा जाए, अर्थात गिरिनगराद अविदूरम, गिरिनगर के नजदीक, तब ये अर्थ सही बनता है, और अगर पिदूरम कर देंगे तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है और भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल अंतर हमें प्राप्त हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो गिरिनगर है उससे बहुत दूर यह अभिलेख है, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ते हैं, मृत्तिको पल विस्तारा यामोच्छ्रय निसंधि बद्ध दृढ़ सर्वपालिकत्वात् पर्वत पाद प्रतिस्पर्धि सुश्लिष्ट बंधम। अब देखेंगे डॉट 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 है, इसका मतलब हमें यह ग्रहण करना है कि वहां जो प्राप्त होने वाला शब्द है उस शब्द को पढ़ा नहीं जा सका है, वो शब्द पढ़ा नहीं जा पाया है, उस शब्द के प्रति हम अपनी कल्पना को नहीं बिठा पाए हैं, इसीलिए आज भी जो पढ़ने वाले इतिहासकार हैं, जो संस्कृत के विद्वान है, वहां पर उसे डैश करके ही लिखते हैं। चलते पीछे क्या है, मृत्तिका उपल विस्तारा यामोच्छ्रय निसंधिबद्ध दृढ़ सर्वपालिकत्वात्। पहले इस शब्द को ले लें, मृत्तिका कहते हैं मिट्टी को, उपल कहते हैं पत्थर के टुकड़ों को, विस्तार लंबाई, आयाम चौड़ाई, उच्छ्रय ऊंचाई, अर्थात मिट्टी और पत्थर से, इसके बाद शब्द लीजिए निसंधिबद्ध बिना जोड़ के बंधे हुए दृढ़ मजबूत सर्वपालिकत्वात्, जो तड़ाक है, जो झील है, जो तालाब है, उनके चारों ओर का जो किनारा है, चार दीवारी फेंस कह लें या डैम कह लें, वो कह रहे हैं बिना संधि के, बिना जोड़ के बंधे हैं, कैसे, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई के आधार पर बिना जोड़ के मिट्टी और पत्थरों से मजबूती के साथ बंधा होना। आज भी आप जाएंगे आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे तो कई सारे हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कहीं भी लोहा यूज नहीं किया गया या बिना किसी भी जोड़ के यह बना हुआ है। ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और अपने प्राचीन मॉन्यूमेंट्स में एक सारे उदाहरण में दिए जाते हैं, उस समय की उत्कृष्टता की व्याख्या की जाती है। उसी उत्कृष्टता को, इसी सिविल इंजीनियरिंग को हम समझ रहे हैं यहां पर कि एक
तालाब है, उस तालाब के चारों किनारे बंधा हुआ डैम है जो कि मिट्टी और पत्थर के बंधे हुए हैं और उसमें कोई जोड़ नहीं है और फिर भी ये बहुत मजबूत है। तो सर्वपालिकत्वात् पर्वत पाद प्रतिस्पर्धी, पर्वत के पैर जो जो नीची भाग है, पर्वत के जो पैर जो पर्वत है उसका जो निचला हिस्सा है, पर्वत पाद जिसे हम तराई कहते हैं उसका प्रतिस्पर्धी, अर्थात पर्वत के नीचे जो पर्वत है उस पर्वत की नीचाई के साथ लगा होना ये झील है। सुश्लिष्ट बंधम, अत्यंत सुंदर बंध वाला है। देखिए यहां पर एक चीज हमें और देखना है क्या कि बंधम शब्द है, अनुस्वार हमें प्राप्त हो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि यह सुदर्शनम जो है इसका विशेषण है। सुदर्शनम नपुंसक लिंग है, यह सुश्लिष्ट बंधम भी हम यहां पर नपुंसक लिंग लेंगे। इसके बाद शब्द टूटा हुआ है और देखेंगे शब्द प्रारंभ हो रहा है वजातेन, व जातेन। देखिए जातेन शब्द से हम ले रहे हैं, कदाचित ये अवजातेन शब्द होना चाहिए यानी व से पहले अ होगा, लेकिन अस्वतंत्र रूप से इसलिए हम प्रयोग में यहां नहीं ला रहे क्योंकि इसके पहले के जो शब्द टूटे हुए हैं उनके साथ ये अ जुड़ा होगा, चाहे वो पंचमी विभक्ति का हो चाहे वो द्वितीय विभक्ति का शब्द हो। ऐसे किसी शब्द की परिकल्पना कर लीजिए, अगर द्वितीय विभक्ति का कोई भी शब्द प्रथमा एक वचन में लेंगे तो मां हलंत आएगा और मां में अगर हम अ जोड़ देते हैं तो मावजातेन बन जाएगा, या इसी तरह अगर हम पंचमी विभक्ति के शब्द में अगर हम जोड़ दें तो ता हलंत होता है, ता हलंत में अ जोड़ देंगे तो अ जुड़ जाएगा तो वह हो जाएगा दवाजातेन। मतलब कहने का मतलब यह है कि अंतिम जो शब्द है वह हलंतवाची कोई शब्द होना चाहिए जिसमें अ जुड़ करके उसमें गौण हो गया है और जो यहां पर हमें टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने उच्चारण में इसे अवजातेन शब्द, अवजात सुंदर के अर्थ में है। अकृत्रिमेन, देखिए कृत्रिम जो शब्द है यद्यपि यह कृत्रिम है लेकिन ऐसा बना हुआ है यह झील, इस रूप में झील का किनारा या झील इस रूप में बना हुआ है कि जो लेखक है वो कहता है मानो यह अकृत्रिम हो, अर्थात स्वाभाविक रूप से सुंदर। सेतु बंधेन उपपन्नम, सेतु शब्द का आधुनिक अर्थ तो पुल होता है, हम ब्रिज लेते हैं, लेकिन यहां पर सेतु शब्द का अर्थ डैम लेंगे, बांध लेंगे, अर्थात जो तालाब है उस तालाब का जो चारों ओर का जो किनारा है। तो कहते हैं सेतु बंधन, उस डैम से युक्त, सुप्रतिविहित, अच्छी प्रकार से, अच्छे प्रकार बनाया गया प्रणाली परिवाहम, जो प्रणाली परिवाह है इसको भी समझें, जो ड्रेन सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम अर्थात बड़ी नालियां छोटी नालियां उसमें आकर के उसे पानी निकाल करके शहर में सप्लाई हो रहा हो या फिर जो जो गंदे पानी है वो इसमें आकर के गिर रहा हो, क्योंकि ईड विधानम यहां शब्द जो है वो इस रूप में हम लेंगे कि जो शहर के गंदे पानी है उनको भी इसमें आने के मार्ग का विधान करना। तो सुप्रतिविहित प्रणाली परिवाह मीढ़ विधानम च, अर्थात अच्छे ड्रेनेज सिस्टम से युक्त, पानी के जाने के पानी के आने के रास्ते से युक्त यह सुदर्शन झील त्रिस्कंधम। अब त्रिस्कंधम शब्द के बाद फिर शब्द टूटा हुआ है, नादि भी, इसका मतलब क्या है कि ये जो ना शब्द है ये तृतीय एक वचन का शब्द होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर अवजातेन देखा या सेतु बंधेन देखा या अकृत्रिमेण देखा, तो ये सारे तृतीय विभक्ति के हैं, तो यहां ना से एंड कर रहा है और उसके बाद आदि भी लिखा हुआ है। तो कहने का यह है कि जो मिसिंग शब्द है उसकी परिकल्पना तृतीय विभक्ति एक वचन से की जा सकती है, लेकिन वो शब्द क्या होगा वो इतिहासकार और संस्कृत के विद्वान मिलकर के उसको उस ब्लैंक को फिल करेंगे। हम ले रहे हैं यहां पर आदि भी। त्रिस्कंध शब्द तीन कंधों वाला, त्रिस्कंध की व्याख्या इस जगह पर क्या है, क्योंकि अगर हम तालाब की चर्चा करें तो अगर तालाब चारों ओर वाला है, अगर स्क्वायर शेप है या अगर रेक्टेंगल शेप है तो उसमें चतुष्कंधम होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्वत के किनारे है तो एक साइड तो पर्वत का हो गया जहां पर कि डैम बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर कि बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो रेस्ट जो तीन पार्ट है कदाचित उसकी ओर इसके माध्यम से संकेत है। मित्रों इस विषय में इतिहास में कोई बहुत बड़ी व्याख्या नहीं मिलती है त्रिस्कंध की,
लेकिन हम यदि अपनी परिकल्पना करें तो त्रिस्कंधम शब्द की व्याख्या इस प्रकार हो सकती है, जैसा कि प्रारंभ में ही इस वाक्य में कहा गया, पर्वत पर्वत पाद प्रतिस्पर्धी। इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्वत के पैर के नीचे स्पर्धा करने वाला, अर्थात पर्वत से स्पर्धा करने वाला, अर्थात पर्वत के नीचे रहने वाला। तो एक साइड तो डैम का काम पर्वत कर रहा है, जो फेंस का काम पर्वत कर रहा है, तो वहां बना नहीं। तो रेस्ट जो तीन साइड है वो त्रिस्कंधम उसकी ओर संकेत है। आदि भी अनुग्रह है, अर्थात इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा महति उपचये वर्तते, अत्यधिक वृद्धि में। उपचय शब्द वृद्धि के लिए होता है और अपचय शब्द ह्रास के लिए होता है। तो महति उपचये वर्तते, बहुत ही अधिक वृद्धि में है, यानी सुंदर स्थिति में है। अब इसका भाव क्या निकला, अब इसका सार क्या निकला? पहली बात तो यह निकली यहां पर कि यह एक तड़ाक है, अर्थात कृत्रिम झील है। इस झील का नाम सुदर्शन है। यह गिरिनगर के पास है। इसके साथ ही इसमें तीन किनारा है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी तरह से है, और इन सारी व्यवस्थाओं से युक्त होने के कारण यह आज, यानी जिस समय यह अभिलेख लिखा जा रहा है, जिस समय रुद्रदामा के आदेश से यह अभिलेख लिखवाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उस समय इस झील की स्थिति बहुत ही सुंदर है, अर्थात झील अपने स्वाभाविक उत्कर्ष पर है। ये पहला पैराग्राफ कह सकते हैं, या इसको हम पहला वाक्य कह लेते हैं, जो रुद्रदामा के अभिलेख का है। हमने उस परंपरा की ओर भी संकेत किया जिसमें कि सिद्धम शब्द के माध्यम से परंपरा को पकड़ा है। मित्रों, आज भी हम देखते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ओम शब्द से प्रारंभ करते हैं, जबकि अगर हम देखें ओम शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, इसकी विशिष्ट व्याख्या बनेगी, बनती है, इसकी विशिष्ट व्याख्या है। लेकिन जब हम स्वाभाविक रूप से ओम शांति 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 कहते हैं तो ओम वहां पर केवल मंगलवाची शब्द मात्र है, वो बृहद व्याख्या अपने साथ लेकर के नहीं चलता। इसी प्रकार अगर हम प्रारंभ में स्वस्तिक लेते हैं तो हमारे यहां कुछ मान्य प्रतीक चिन्ह है जिसे शुभ माना जाता है, जिसमें स्वस्तिक भी एक है। तो ये आप पाएंगे ऐतिहासिक विमर्श में जब जाएंगे तो इन सारे शब्दों की व्याख्या और व्यवस्था भी है, जो कि उस प्रकार उस समय के जो लिखे जाने वाले हैं। आज भी सुदूर गांवों में आप पाते हैं कि जब कोई बढ़िया कोई मंत्रोच्चार या पाठ आदि या निमंत्रण पत्र आदि संस्कृत में लिखे जाते हैं तो उसके भी प्रारंभ में ओम स्वस्ति भवते आदि करके ये वाक्य प्रारंभ किया जाता है। ये उसी परंपरा की ओर संकेत देता है। मित्रों, एक 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 बात इसके साथ यह भी यहां हम शेयर करना चाहेंगे कि जो रुद्रदामा है ये शक हैं, और शक भारतीय नहीं थे, बाहर से आए थे। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार ये शक लोग पूरी तरह से उस समय की भारतीय सांस्कृतिक और वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में समाहित हैं, वो सदैव वो आदर के योग्य है, वो सम्मान के योग्य है, क्योंकि ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है अपने व्यवहार से कि इनमें कहीं भी विदेशी दंभ हो। पूरी तरह से विनम्रता पूर्वक ये जो भाषा है, आगे भी आप पढ़ेंगे पाएंगे। इसके बाद का हम लेते हैं, इसके बाद जो प्राप्त होता है क्या है कि तदिदम राज्यो महाक्षत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी चष्टनस्य पौत्र। उसके बाद आप सारे के सारे लाल अक्षर में पाएंगे, स्य राज्ञः क्षत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी जयदाम्नः पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य गुरुभिरभ्यस्त नामनः रुद्रदाम्नो वर्षे द्विसप्ततितमे मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदायाम। फिर शब्द टूटा हुआ है, सृष्ट वृष्टिना पर जन्येन एकार नव भूतायाम एव पृथिव्याम कृतायाम। हम यहां तक लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैरा जो है, नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन है उसको दूसरे स्लाइड्स में हम जानेंगे। यहां देखिए क्या है, तदिदम, ठीक है, स्पष्ट है, यह अर्थात जो इदम शब्द सुदर्शन नामक झील की बात आ रही है, इदम शब्द की ओर उन्हीं की ओर संकेत है। राज्ञो महाक्षत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य। महाक्षत्रपस्य राज्ञः राजा महाक्षत्रप का सुगृहीत नाम वाला, सुगृहीत नाम शब्द जिसे हम आज की भाषा में प्रातः स्मरणीय कहते हैं, या सुगृहीत नाम एक ऐसा नाम जिसको जिसका नामोच्चारण पुण्य पुण्य प्रदायी हो। मित्रों, हमारे यहां आज भी ये परंपरा है कि कई ऐसे नाम है कि अगर प्रातः काल में जगने के बाद ऐसे नामों का हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा दिन शुभ होगा, हमारे सारे पाप भी नष्ट होंगे। अब ऐसे लिए
आम भाषा में हम लोग प्रातः स्मरणीय शब्द प्रयोग करते हैं। यहां देखे कितना सुंदर संस्कृत है, सुगृहीत नामना, अर्थात जिनका नाम लेना जो है बड़े अच्छी तरह से, जिनके नाम का उच्चारण किया जाए, तो वो है सुगृहित नामना स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य। इसका तात्पर्य, सुगृहित नामना का तात्पर्य यही है कि इस रुद्रदामा ने अपने पूर्वज के प्रति, अपने पितामह के प्रति एक आदर और एक सम्मान यहां पर प्रस्तुत किया है, जिनका नाम क्या है, चष्टन, स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य, अर्थात स्वामी चष्टन का पौत्र। ऐसा माना जाता है कि जिस वंश से रुद्रदामा बिलोंग करता है उस वंश की स्थापना या उस राज वंश की स्थापना चष्टन ने किया था, तो उनके पौत्रस्य राज्ञः क्षत्रपस्य। अब देखें मित्रों, एक अच्छा गैप है, एक अच्छा ब्लैंक है जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ है, वहां पर भी एक कल्पना है। यानी आज अगर हम रुद्रदामा के पिता का नाम जयदामा जानते हैं तो यह दूसरे सोर्स के माध्यम से इसको फिल किया गया है, क्योंकि इस जगह पर यह शब्द टूटा हुआ है। और जब यह शब्द टूटा हुआ है तो आगे जो एक विशाल परिकल्पना है वो परिकल्पना है राज्ञः क्षत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी जयदामनः पुत्रस्य। अब यह जयदामा शब्द जो लाया गया है, इस पूरे अभिलेख में कहीं जयदामा का नाम हमें दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता। ये नाम भी जो है इस जगह पर प्रस्तुत किया जाना इतिहासकारों की कल्पना है, लेकिन इसका संकेत हमें कहीं और प्राप्त होता है, इसकी व्यवस्था हमें कहीं और दिखाई देती है, जिसके कारण यहां पर स्वामी जयदामना शब्द जो है यह उचित प्रतीत होता है इतिहासकारों के द्वारा और संस्कृत के विद्वानों के द्वारा, जो यह परिकल्पित नाम है और इस प्रकार जो ब्लैंक को फिल किया गया है दैट इज कह सकते हैं अप्रोप्रिएट। अब इसकी चलें, इसमें हम रुद्रदामा के पिता का नाम प्राप्त करते हैं कि राज्ञः क्षत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी जयदामनः पुत्र से, स्वामी जयदामा का पुत्र। अब क्या अर्थ निकला कि रुद्रदामा के पिता का नाम जयदामा है। राज्ञो महाक्षत्रपस्य गुरुभिः अभ्यस्त नामनः रुद्रदामनः, यहां तक लेते हैं। यानी राजा महाक्षत्रप, महाक्षत्रप, अब ये जो महाक्षत्रप है ये रुद्रदामा के साथ आ रहा है। गुरु भी अभ्यस्त नामना, गुरु शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यहां पर जो अर्थ है गुरु शब्द के दो, एक पिता के द्वारा और दूसरा जो श्रेष्ठ जन थे समाज के, परिवार के या गुरुजन जो थे उनके द्वारा इनको रुद्रदामना कहके बुलाया जाता था। तो गुरु भी अभ्यस्त नामना, गुरुओं के द्वारा जो अभ्यास में लाया गया नाम था वह रुद्रदामा। वर्षे द्विसप्तति तमे, 72वें वर्ष में, अर्थात उस रुद्रदामा के 72वें वर्ष में मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदायाम, मार्ग शीर्ष आज जिसे हम अगहन का महीना कहते हैं, अग्रहण मास, या हम कहें कि प्रारंभिक जनवरी, जो अगर अंग्रेजी के उससे जाएं तो बहुल प्रतिपदायाम, बहुल हमने पहले भी कह रखा है कि हमारी जो भारतीय महीने जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, एक को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं दूसरे को शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो यहां बहुल के माध्यम से कृष्ण पक्ष की ओर संकेत है, तो अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, प्रतिपदा कहते हैं पहली तिथि को, और इसी प्रकार द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी आदि, इस प्रकार चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा या अमावस्या, ये होते हैं, इस तरह से तिथि गणना होती है अपने यहां। और कई सारी तिथियों से आप परिचित होंगे, जैसे जब चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी कहते हैं, एकादशी तो लोग व्रत उपवास में रखते हैं, राम नवमी, ऐसे जो दशमी, ये सारे शब्द हमारी आज भी भारतीय संस्कृति में हम लोग कहीं भी रहें इस तिथि को जरूर अपने साथ लेके चलते हैं। तो किसी भी महीने की, किसी भी पक्ष की जो प्रारंभिक तिथि है उसको प्रतिपदा कहते हैं। तदनुसार रुद्रदामा के 72वें वर्ष में अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को, शब्द टूटा हुआ है, अज्ञात है, पढ़ा नहीं जा सका है। सृष्ट वृष्टिना, सृष्ट छोड़ा गया, वृष्टिना बारिश के द्वारा, अर्थात एक भयंकर बारिश के द्वारा, परजन्येन मेघ के द्वारा, एक अर्णव भूतायामेव, मानो एक अर्णव भूत, मानो पूरा का पूरा प्रदेश एक समुद्र की तरह प्रतीत होने वाला,
पृथिव्याम कृतायाम, उस पृथ्वी को कर दिया गया था। मित्रों आज भी हम देखते हैं बारिश के महीने में अगर आप किसी भी नदी के किनारे जाएं या किसी भी उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत के किसी भी प्रदेश में जाएं तो दूर दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, कहीं और छोर स्थल प्रदेश का नहीं दिखता। तो हम क्या कहते हैं कि दूर दूर तक पानी नहीं, स्थल प्रदेश नहीं दिखता, जैसे लगता है कि समुद्र की तरह हो। अर्थात ये इसके माध्यम से जो संकेत दिया जा रहा है कि इतनी अधिक बारिश हुई थी, इतनी अधिक, इसके आगे चित्रण है उस बारिश का, उसकी व्याख्या है और सजीव चित्रण है, लाइव डिस्क्रिप्शन है हम जिसे पढ़ेंगे। लेकिन इसके माध्यम से कल्पना करते हैं कि इतनी अधिक बारिश हुई थी कि उस बारिश का पानी पूरे प्रदेश में फैला हुआ था, दूर दूर तक कहीं स्थलीय भाग नहीं दिखता था। इसीलिए कवि की कल्पना है यहां पर एक अर्णव भूतायाम, एक अर्णव यानी एक अर्णव का होता है समुद्र, एक समुद्र की तरह यह पृथ्वी को कर दी गई थी। किसके द्वारा? बारिश के द्वारा। सृष्ट वृष्टिना पर्जन्येन, इसके द्वारा यह कर दिया गया था। अब इस पैराग्राफ की में देखें हमें क्या सूचना मिल रही है। एक जो सबसे जो बढ़िया शब्द है जो बार बार आया है वो है क्षत्रप और महाक्षत्रप। ये एक प्रकार की उपाधि है मित्रों, हम लोगों ने भी कई बार देखा कि महाराज की उपाधि है, महाराजाधिराज की उपाधियां होती है, विक्रमादित्य की उपाधि होती है। तो मानो इस शक परंपरा में एक क्षत्रप, क्षत्रप शब्द का अर्थ हुआ क्षत्रपति, अर्थात उस प्रदेश का स्वामी, अर्थात एक राजा, लेकिन जिसका भूभाग, जिसका भौगोलिक जो हिस्सा है छोटा होता होगा वो क्षत्रप कहलाते थे। लेकिन वही क्षत्रप अपनी शक्ति का जब विस्तार करता था तो वह महाक्षत्रप कहलाता था। तो तदनुसार चष्टन और रुद्रदामा ये दोनों अपने वंश के तेजस्वी राजा थे, पराक्रमी राजा थे। इन्होंने अपने शत्रु और अपने राज अपने शत्रु का विनाश किया और अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया और तदनंतर इन लोगों ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की होगी। इसीलिए इन दोनों के नाम के साथ आप पाएंगे कि महाक्षत्रप और महाक्षत्रप लिखा है। लेकिन जयदामा के विषय में यह सूचना है कि जयदामा अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत कम दिनों तक उन्होंने अपना शासन चलाया था। हार्डली मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष तक वो रहे हैं, वो इतिहास में गवेषणा का विषय है कि कितने अंतराल तक उन्होंने शासन किया है। लेकिन उनको वो समय नहीं मिल पाया कि अपने राज्य का विस्तार करता और महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण करता। तो इस प्रकार से यह क्षत्रप और महाक्षत्रप एक राजकीय उपाधि है जो राजा की संप्रभुता, जो राजा के पराक्रम और जो राजा के प्रतिष्ठा की ओर संकेत देता है। दूसरी सूचना जो सबसे भ्रामक सूचना है वह सूचना है रुद्रदामनः वर्षे द्विसप्ततितमे। मित्रों पिछली व्याख्यान में भी मैंने इसकी ओर संकेत दिया था और मैं आज भी दे रहा हूं क्योंकि मेरा यह पूर्वाग्रह है, क्योंकि इसको ठीक से समझा जाना चाहिए, क्योंकि हम इसी के आधार पर रुद्रदामा के काल का निर्धारण करते हैं, रुद्रदामा के इस अभिलेख की तिथि का निर्धारण करते हैं। तिथि स्पष्ट है लेकिन जो एक संकेत है रुद्रदामनः वर्षे द्विसप्तति तमे, जिसका अर्थ होता है द्विसप्तति तमे, द्वि यानी दो, सप्तति यानी 70, 270 अर्थात 72 यानी रुद्रदामा के 72वें वर्ष में। अब जो रुद्रदामा के 72वें वर्ष में जो चर्चा है इसके क्या अर्थ लिए जाए? क्या रुद्रदामा की मृत्यु के 72वें वर्ष में, या रुद्रदामा जब 72 साल का था उस समय, या रुद्रदामा ने जब उपाधि ग्रहण कर ली थी, राजपद ग्रहण कर लिया था उसके 72वें वर्ष में आदि, ये कुछ ऐसे भ्रामक विषय हैं जिसकी ओर जिसका निश्चय करने के बाद ही हम इसकी तिथि का संकेत लेते हैं। लेकिन वस्तुतः इस संकेत को समझने में कि हम 150 वर्ष तक कैसे इसे ले जाएं, हम इसे एक पुनः अपनी चर्चा में इसे लाते हैं और इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इनके पैराग्राफ को आगे को पढ़ करके। तो 72वें वर्ष को जरा सोचें मित्रों, भारतीय इतिहास में शक संवत का काल निर्धारण 78 AD से है और यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है, स्वीकृत है। हम भारतीय जिस तिथि का उपयोग करते हैं वह शक संवत है, विक्रम संवत नहीं है। अस्तु अगर हम 72 में 78 जोड़ते हैं तब होता है 150 और भारतीय इतिहास में इसे स्थापित सत्य मान लिया गया कि रुद्रदामा के इस अभिलेख की में जो उल्लिखित तिथि है वह 150 ईस्वी है। ठीक, अब इसी उत्तर और इसी स्थापना के माध्यम से हम पीछे चलते हैं कि यदि हम 150 ईस्वी मान लें तो फिर रुद्रदामनः वर्षे जो बातें कही जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि शक संवत में अर्थात 72वें शक संवत में।
तो क्या रुद्रदामा 78 ईस्वी में था या रुद्रदामा ने शक संवत चलाया? क्योंकि रुद्रदामा ने शक संवत नहीं चलाया है, इसीलिए यह और भ्रामक हो जाता है। या नहीं तो हमें रुद्रदामा को शक से पूर्व माना जाना चाहिए, या नहीं तो रुद्रदामा को शक के बाद माना जाना चाहिए, और इन दोनों से भिन्न रुद्रदामा इक्वल टू शक संवत माना जाना चाहिए। हमारे लिए यह यहां पे प्रश्न है, भ्रम है, आप लोगों के लिए भी है। यह एक समस्या है कि हम 150 ईस्वी तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, किस एरिथमेटिक से हम 150 की स्थापना करें। अस्तु, लेकिन जैसा मैंने कहा आप लोगों के सामने, इतिहासकारों के मध्य यह पूर्णतया स्थापित सत्य है बिना किसी डिबेट के कि इस अभिलेख का काल 150 ईस्वी है। पुनः यह कहते हुए कि जब जब मैं पढ़ाता हूं, अपने छात्रों के बीच होता हूं इस अभिलेख को लेकर के, तो मैं उन सब के मन में यह भ्रम आवश्यक रूप से डालता हूं कि गो एंड इन्वेस्टिगेट, जाओ और इनको समझो और इनकी व्याख्या करो, इनको ढूंढ के लाओ कि यह कैसे 150 वर्ष है। अस्तु मित्रों, लेकिन हमारा मूल विषय है उस आंधी, उस तूफान, उस बारिश, अस्तु या दूसरे शब्दों में उसे सुनामी की ओर, जिसकी व्याख्या इसमें हम प्राप्त करते हुए देखते हैं। हमें संकेत मिला है भी केवल बारिश का, कि इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा का पूरा प्रदेश जलमग्न था और वह पूरा प्रदेश समुद्र की तरह प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए, उसी का एक्सटेंशन है और ये बहुत ही लंबा पैराग्राफ है। आप इसमें देखेंगे कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। हम जब यहां बैक से पढ़ते हैं यहां से कि तदिदम से, आप देखेंगे अब ये कंटिन्यूड सेंटेंस है, फुल स्टॉप अभी कहीं नहीं है। गिरे रुर्जयतः सुवर्ण सिकता पलाशिनी प्रभृति नाम नदी नाम अतिमात्रो वृत्तैर वेगैः सेतुम, टूटा हुआ है ब्रैकेट में क्री है, यमानानुरूप प्रतिकारमपि गिरिशिखर तरु तटाट्टाल कोप तल्प द्वार शरणोच्छय विध्वंसिना युग निधन सदृश परम घोर वेगेन। कंटिन्यू है, लेकिन पहले इस छोटे से क्लॉज को, छोटे से पीस को हम लोग समझ लें कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ऊर्जयत नामक एक पर्वत है, तो गिरेह ऊर्जयतः, ऊर्जयत नामक पर्वत से सुवर्ण सिकता पलाशिनी प्रभृति नाम, ये दो नदियों के नाम है, सुवर्ण सिकता और पलाशिनी, ये दो नदी हैं। यद्यपि आज इस नाम से ये दोनों नदियां उपलब्ध हैं या नहीं, यह भी एक अन्वेषण का विषय है, लेकिन सुवर्ण सिकता शब्द से एक जरूर बोध हमें होता है कि इस नदी का जो बालू होगा वह सोने के समान सुनहला होगा, गोल्डन कलर का इसका, जिसे आज भी बहुत ही फेमस होता है, नदियों का एक है सोन सैंड कहा जाता है, जो सोन नदी है उसका बालू बहुत ही फेमस होता है, सोन सैंड उसका भी गोल्डन कलर का होता है। आपने सुवर्ण रेखा का भी नाम सुना होगा, सुवर्ण रेखा नदी, कई लोगों ने तो इस सुवर्ण सिकता को सुवर्ण रेखा नदी तक कहा है। अस्तु, यह भी एक अलग विषय है, लेकिन मूल विषय है कि ये दो नदियां हैं उस काल की, अर्थात 150 ईस्वी यदि है तो उस काल में ये दो नदियां बहुत ही प्रसिद्ध नदी रही होंगी। ऐसी नदियों में, कह रहे प्रभृति नाम नदी नाम, यानी ऐसी जो नदियां थी उस समय की प्रसिद्ध नदियां, अर्थात उस गुजरात प्रदेश की जो नदियां होगी, जहां वो साबरमती और जो रिवर है उन सब की भी चर्चा इसमें ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रभृति शब्द कहा गया तो इसका मतलब है कि केवल यही दोनों नदी नहीं बल्कि अन्य नदियों में भी नदी नाम अतिमाद्रोद वृत्तैर वेगैः। अब भयंकर बारिश हुई, भयंकर बारिश में क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन नदियों में बहुत बढ़ गया, बहुत अधिक पानी हो गया। तो जब पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसमें स्पीड बढ़ती है, अर्थात उसमें क्या होगा कि फ्लो ऑफ जो वाटर है बहुत ही फास्ट होगा। आप जरा कल्पना कीजिए, यदि आप जाते हैं मणिकरण जाते हैं मनाली से आगे, और मणिकरण के पास जब पार्वती नदी का वो पानी गिरता है अपनी घनघोर आवाज के साथ, तो वो उसको आप परिकल्पना में लाइए और वो है अतिमात्रोद वृत्तैर वेगैः, अत्यधिक तेज गति से, बहुत अधिक तेज गति से। सेतु शब्द टूटा हुआ है, सेतु शब्द से स्पष्ट है बांध, डैम। क्रियमाणानुरूप प्रतिकारमपि, अर्थात लगातार उसको, उस वेग को रोकने के लिए किए जाने वाले जो प्रतिकार है, उपाय है, उन उपायों के बावजूद भी, देखिए जब ये अपि शब्द लग रहा है तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नदियों के पानी के उस वेग को नहीं रोका जा सका, ठीक है। तो क्योंकि क्या वाक्य क्या बन रहा है कि बार बार किए जाने वाले प्रयास, बार बार किए जाने वाले उपाय भी, गिरि शिखर तरु तटाटाल कोप तल्प द्वार शरणोच्छय विध्वंसिना। अब मैं आखिर में शब्द लेता हूं, शरण,
क्या होता है कि जब बारिश आती है, जब बाढ़ हो तो मनुष्य ऊंची जगह पर भागने की कोशिश करता है, ऊंचे चाहे पर्वत शिखर पर हो या पेड़ पे चढ़ जाएंगे या जो बड़े बड़े महल है उनके छत पे चढ़ जाते हैं। उस काल में भी यह व्यवस्था है, लेकिन कह रहे गिरी शिखर अर्थात पर्वतों की चोटी, तरु यानी वृक्ष, तट जो नदी का ऊंचा हिस्सा है, अट्टाल अट्टालक जो बड़े बड़े ऊंचे महल है, उपतल्प उपतल्प यानी उसके जो छज्जे हैं, उसके जो परकोटे हैं, द्वार, ऐसे जो शरणों ऊंचे जो शरण देने वाली जो ऊंची जगह है, उनके विध्वंसिना उनको भी उखाड़ उनको भी विनष्ट कर देने वाला जो वायु का वेग है, पीछे पड़ रखा है हम लोगों ने वायु वेग, युग निधन सदृश, युग निधन मानो प्रलय काल के समान, परम घोर वेगेन अत्यधिक तेज वेग से। अब यहां पर केवल जो है ये लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सुनामी, लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ कह सकते हैं अ टॉर्नेडो और हरिकेन, जो भी कह लें, आंधी तूफान झंझावात जो भी शब्द ले लें, उनका लाइव डिस्क्रिप्शन। और मित्रों बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिसमें कि इतना सजीव चित्रण प्राप्त होता है। आप पढ़ें एक बार फिर से, देखिए क्या कह रहा है कि सृष्ट वृष्टिना पर्जन्येन एकार्णव भूतायाम इव पृथिव्याम कृतायाम गिरेरूर्जयतः सुवर्ण सिकता पलाशिनी प्रभृतिनाम नदीनाम अतिमात्रोद्वृत्तैर्वेगैः सेतुम क्रियमाणानुरूप प्रतिकारमपि गिरिशिखरतरु तटाट्टालकोपतल्पद्वार शरणोच्छय विध्वंसिना युग निधन सदृश परम घोर वेगेन। मतलब मानो प्रलय काल की स्थिति आ गई है। यह अलग विषय है कि अभी हम लोग बारिश नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप परिकल्पना कीजिए जब घनघोर बारिश होती है, जब अंधकार छा जाता है तो हमारे भी हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, जब बड़ी तेज हवा बहती है, जब आंधी तूफान की स्थिति आती है। आप समझिए उस समय यह है कि जहां पर पर्वतों को उखाड़ दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया, बड़े बड़े महल को तोड़ दिया है, और फिर भी वो जो स्पीड है उसकी कम नहीं हो पा रही, नदी की गति रुक नहीं पा रही, किसके द्वारा, वायुना हवा के झोंकों के द्वारा। फिर कह रहे हैं प्रमथित सलिल विक्षिप्त जर्जरी कृतावयवम, ब्रैकेट में इसको हालांकि हमने रेड नहीं किया है, छूट गया है, लेकिन यवम शब्द जो ब्रैकेट में है यह भी ब्रोकन है, यह भी टूटा हुआ है, कल्पना से उसे वहां फिल किया गया है और बाद के शब्द टूटे हुए हैं। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, प्रमथित यानी मथ दिया गया है सलिल जल से, विक्षिप्त उखाड़ दिया गया है, जर जर बना दिया गया है, मतलब हवा का झोंका इतना था जैसे मानो पूरे प्रदेश की वस्तुओं को तोड़ दिया, उखाड़ दिया, जल की धारा पानी की धारा इतनी तेज थी कि नीचे की जमीन को उखाड़ दिया गया। और क्या, क्षिप्त फेंके गए अश्म पत्थर वृक्ष पेड़ गुल्म झाड़ी लता क्रीपर्स प्रतान समूह, मतलब आ नदी तलात, नदी की जो तल है, नदी का निचला हिस्सा जिस पर की पानी रहता है, उस नदी के तल से उद्घाटित मासीत, मानो इन सारे पर्वतों को वृक्षों को लताओं को झाड़ियों को पर्वत शिखरों को अट्टालिकाओं को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। केवल उस दृश्य की परिकल्पना मात्र है। मित्रों जैसा वर्णन है इसमें एक वर्णन जो मिसिंग है वो ये है कि क्या इससे जन धन की हानि हुई थी कि नहीं। इसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं की गई है कि लोगों की मृत्यु हुई है कि नहीं। यदि नहीं हुई है तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन यदि हुई होगी तो अच्छा होता कि इस अभिलेख में उसकी भी सूचना दी गई होती कि कितने लोगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था। वो नहीं है तो मैं कभी कभी कहता हूं, चर्चा में लाता हूं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बात इस अभिलेख में छिपाई जा रही हो, इस अभिलेख में किसी बात को, क्योंकि देखिए ऐसी बातों को देने से क्या होता है, राजा की हीनता होती है, राजा को अप्रतिष्ठा मिलती है कि राजा यदि यह लिखा है कि इसमें इतने लोग मारे गए तो राजा की अप्रतिष्ठा हो सकती है, तो कदाचित इसीलिए उस कैजुअलिटी को यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। बट आगे देखिए क्या कह रहा है, चत्वारि हस्तशतानि विंशदुत्तराणि आयतेन एतावन्त्येव विस्तीर्णेन पञ्चसप्तति हस्तानवगाढेन भेदेन निःसृत सर्वतोयम् मरुधन्वकल्प मतिभृशम् दुर्दर्शनमासीत। एक एक शब्द को लेते हैं, कह रहे चत्वारि हस्तशतानि विंशदुत्तराणि,
400 हाथ 20 अधिक यानी 420 हाथ आयतेन लंबा एतावन्त्येव विस्तीर्णेन और इतने ही चौड़े और पंच सप्तति हस्तान अवगाढ़ेन 75 हाथ गहरे भेदेन दरार। अब देखिए वर्णन हो रहा है कि जिस सुदर्शन लेख का यहां पर उल्लेख किया जा रहा है उस केवल अब सुदर्शन लेख की चर्चा यहां पर होनी है कि कहते हैं कि उसमें 420 हाथ लंबे 420 हाथ चौड़े और 75 हाथ गहरी दरार हो गई थी जिससे निःसृत सर्वतोयम सारा का सारा पानी बह गया था अर्थात तो सुदर्शन झील के जो भी पानी थे वो बह गया था और वह सुदर्शन झील मरुधन्व कल्पम अर्थात मरुस्थल के समान अति भृशम अत्यंत भयंकर दुर्दर्शनमासीत देखने में बहुत बुरा लग रहा था। सुंदर शब्द देखिए नाम क्या है सुदर्शन झील कैसा दिख रहा है दुर्दर्शन। तो कवि ने इस साहित्य का भी यहां प्रयोग किया है लेकिन मूल विषय आते हैं मैं एक बार पुनः ले जा रहा हूं उस सजीव चित्रण के प्रति जहां पर कि लेखक एक एक अवयव की चर्चा यहां कह रहा है क्षेत्रफल दे रहा है कितनी लंबाई चौड़ाई में दरार आई होगी उस झील में। लेकिन अब जरा यह भी सोचें कि अगर 420 हाथ लंबी 420 हाथ चौड़ी दरार आई थी तो झील की जो लंबाई चौड़ाई होगी इससे बड़ी होगी क्योंकि यह केवल भेदेन है। अगर एक डैम है एक बांध है और उस बांध में 420 हाथ लंबा 420 हाथ चौड़ा टूट रहा है दरार है तो उस झील के बांध का अन्य हिस्सा इससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती लेकिन इतना जरूर है कि यह बहुत ही लंबा इस पर डैम होगा जिसमें कि 420 हाथ दरार है। अस्तु आगे देखते हैं कि तदिदम अब इस पंक्ति में हम क्या पाते हैं इस सुदर्शन झील का हम एक विस्तृत जो कह सकते हैं एक इतिहास पाते हैं उसी इतिहास को भी जानेंगे कि तदिदम जनपदस्यार्थे मौर्यस्य राज्ञः चंद्रगुप्तस्य राष्ट्रियेन वैश्येन पुष्यगुप्तेन कारितम अशोकस्य मौर्यस्य कृते यवनराजेन तु शास्त्रेनाधिष्ठाय प्रणालीभिरलङ्कृतं तत्कारितया च राजानुरूपकृतविधानया तस्मिन् भेदे दृष्ट्या प्रणाड्या विस्तृत सेतु। यहां पर वाक्य एंड कर रहा है क्यों क्योंकि इसके बाद एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है जिसमें कि आगर्भात आदि की चर्चा आएगी जिसमें कि केवल रुद्रदामा की विशेषता होगी। यहां तक हम केवल सुदर्शन झील उस दुर्घटना और सुदर्शन झील का जो इतिहास है इन तीनों विषय में सूचना पाते हैं। तो देखिए क्या सूचना है कह रहे तदिदम जनपदस्य अर्थे जनपद पूर्ण साम्राज्य नहीं राज्य का एक हिस्सा होता है जिसे जनपद कहा जाता है। ठीक है मित्रों तो कहता है तदिदम जनपदस्य अर्थे अब जनपद के लिए हम अपने इसे अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि इस जनपद के कल्याण के लिए इस जनपद की भलाई के लिए मौर्यस्य राज्ञः चंद्रगुप्तस्य अर्थात राजा चंद्रगुप्त मौर्य का राष्ट्रियेन वैश्येन पुष्यगुप्तेन हम यहां तक लेते हैं फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए मित्रों एक शब्द है राष्ट्रीय यह राष्ट्रीय शब्द एक बड़ा ही रोचक शब्द है। आज हम भारतवर्ष में राष्ट्रीय शब्द प्रयोग करते हैं यह शब्द अशुद्ध है उस राष्ट्रीय शब्द के प्रयोग हम नेशनल के लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है नेशनल जो राष्ट्र है राष्ट्रीय है इस अर्थ में लेते हैं लेकिन इसका जो इसकी जो स्पेलिंग है इसकी जो वर्तनी है वो छोटी ई होनी चाहिए राष्ट्रीय। लेकिन संस्कृत में इसके तीन अर्थ हैं एक तो राष्ट्रीय जिसे हमने राष्ट्र से संबंधित कहा जिसको कि इंग्लिश में नेशनल कहते हैं दूसरा महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में जो श्याल है उसके लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया है। राष्ट्रीय का मतलब होता है वहां पर राजा का साला तो एक उस अर्थ में वहां पर राष्ट्रीय न श्यालेन और तीसरा अर्थ जो है राष्ट्रीय का यहां पर ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि ये गवर्नर या प्रशासन की कोई एक इकाई हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो चंद्रगुप्तस्य राष्ट्रीयेन वैश्येन पुष्यगुप्तेन पुनः शब्द आ रहा है देखेंगे मित्रों इसी में हम ब्राह्मण शब्द का भी प्रयोग पाते हैं
क्षत्र शब्द से क्षत्रिय की ओर भी संकेत है और ये वैश्य शब्द है। ये वैश्य शब्द हम ऐसा मान के चलें कि कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा पुष्यगुप्त नामक, जिसने कि इसके लिए धनदान दिए हो दिया होगा अस्तु। लेकिन जो मेरा संकेत है पुष्यगुप्तेन पर एक, इसलिए कि यहां तो हमने पुष्यगुप्त लिखा है लेकिन कहीं कहीं यह पुष्पगुप्त भी हमें प्राप्त होता है। पुनः यहां पर पाठन दोष है, पुनः यहां पर वाचन दोष है। अब यह पुष्यगुप्त है या पुष्पगुप्त है, उस ब्राह्मी के उस वर्ण के पढ़ने के बाद ही यह निर्धारित हो पाएगा कि यह पुष्य है या पुष्प है। Whosoever, जो पुष्यगुप्त है तो पुष्यगुप्त और पुष्पगुप्त। हमें केवल मन में यह रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक कोई कह सकते हैं कि प्रांतीय गवर्नर होगा, एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाला एक कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा जिसने कि कारितम इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया अशोकस्य मौर्यस्य कृते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखेंगे कि मैंने जैसे संकेत दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग बनाए हुए 50-60 वर्ष हुआ होगा इस झील में, और इस झील की आवश्यकता बढ़ गई होगी, इस झील से लोगों की डिमांड बढ़ गई होगी, या इस झील में क्या हुआ होगा कि कुछ चीजें टूट फाट रही आ रही होंगी, तो इस राजा अशोक ने के निर्देश से राजा अशोक के लिए यवन राजेन तुषास्फेन, एक यवन एक ग्रीक गवर्नर तुषास्फ है जिसने अधिष्ठाय प्रणाली भी रलंकृतम करे कृते यवन राजेन तुषास्फेन अधिष्ठाय प्रणाली भी अलंकृतम। द वेरी फर्स्ट टाइम इस सुदर्शन लेक में जो ड्रेन सिस्टम है अर्थात पानी का आना और पानी के बाहर निकलने की जो व्यवस्था है वो अशोक के काल में अशोक के निर्देश पे यवनराज तुषास्फ ने प्रारंभ करवाया। तो अलंकृतम शब्द है, साहित्यिक शब्दावली है, अर्थात प्रणाली से उसे अलंकृत कर दिया। तत्कारितया च राजानुरूप कृत विधानया तस्मिन भेदे दृष्टिया प्रणाड्या विस्तृत सेतु। मित्रों अब क्या है कि उसके द्वारा बनवा दिए जाने के बाद अब इस राजा के द्वारा, इस राजा से तात्पर्य है रुद्रदामा के द्वारा अनुरूप कृत विधानया, जो अनुरूप विधान होता है, जो प्रजाओं की अपेक्षा है, जो उस झील के अनुरूप व्यवस्था की जा सकती है, उस विधान के द्वारा तस्मिन भेदे दृष्टिया। लेकिन फिर भी क्या था कि उसमें दरार के दिखाई पड़ने से प्रणाद्या पुनः उस नाली के द्वारा विस्तृत सेतु, इसके बाद की जो आकांक्षा है वो मिसिंग है, अर्थात इसके बाद क्या बातें की जानी चाहिए, इसके बाद क्या बातें होनी है, ये बात यहां पर मिसिंग है। तो ये जो चीज है हमें इसको यहां पर अपनी स्मृति से या अपनी कल्पना से अपने ऐतिहासिक बोध से इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा लंबा सा शब्द यहां टूटा है, वाक्य एंड कर रहा है, इसका संकेत आगे के वाक्य से प्राप्त होगा। लेकिन इस जगह पे हम केवल इसको देखते हैं कि ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि रुद्रदामा ने यह संकेत दिया है कि राजा अशोक के बाद मैंने इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। वो क्यों कार्य प्रारंभ किया? क्योंकि इस लेक में, इस झील में दरार आ गई थी। अब आते हैं कि इससे हमें क्या क्या सूचना मिल रही है। इससे जो प्राप्त होने वाली सूचना है एक कालक्रम, एक पौर्वापर्य हमें प्राप्त हो रहा है। जैसा कि मित्रों हमने पहले ही चर्चा की है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ध्यान रखेंगे निर्माण, यह कृत्रिम झील है, यह प्राकृतिक झील नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्था वहां पर प्रजाओं के लिए जो हो सकता था, इसे हो सकता है पीने योग्य पानी, सिंचाई योग्य पानी आदि जिस किसी की भी व्यवस्था हो सकती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी वहां देखा होगा उसके अनुरूप इस झील का निर्माण करवाया होगा। झील का निर्माण हो गया, लोगों की आस्था का विषय बना, लोगों के गमनागमन का यह प्रदेश बना, इसका कह सकते हैं कि सामाजिक महत्व, प्रशासनिक महत्व बढ़ा। तो जो बाद वाले परवर्ती राजा होते हैं उनका भी ध्यान इसकी ओर रहा, और यही कारण है कि लगभग 60-70 वर्ष बाद अशोक का ध्यान इसकी ओर गया। और यह संकेत इसमें नहीं है कि अशोक ने इसमें, मतलब इसके माध्यम से, हमने अशोक के अभिलेख की चर्चा अभी नहीं की है, इस अभिलेख से ऐसी सूचना नहीं मिल रही है कि
इसमें कोई दरार या कोई व्यवस्था या टूट फाट आई होगी, बल्कि इसके माध्यम से ये आ रहा है कि अशोक ने बेटरमेंट के लिए उस सुदर्शन लेख को और अच्छा बनाने के लिए योजना बनाई है और उसने अपने राज्य अपने गवर्नर को आदेश दिया है कि इसमें तुम नाली प्रणाली आदि की व्यवस्था करो, ड्रेन सिस्टम इसको बनाओ। तो ये एक अहम क्रम देते हैं और इसके बाद जो कि स्पष्ट है रुद्रदामा के लिए ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि उनको सुदर्शन झील में पुनः अपने अपना श्रम करना पड़ा, तो स्पष्ट उसका निर्देश है जिसको कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं, एक सजीव चित्र सभी लेख में पाते हैं जिसमें कि हम पाते हैं कि पूरी तरह से भयंकर आंधी तूफान की स्थिति आ गई थी, पूरा का पूरा सुदर्शन झील बर्बाद हो गया था, अता पता ही नहीं चल रहा था कि सुदर्शन झील कहाँ है। मित्रों, मैं बार बार मेरे मुंह पर इसके लिए सुनामी शब्द आता है, ये इसलिए आता है कि मैंने पहले भी कहा है कि सुनामी तो एक नॉर्मल शब्द है लेकिन उसका जो परिणाम है वो परिणाम इसमें निहित है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मानो कि अभिलेख में उल्लिखित या चिन्हित सुनामी अगर कहीं हमें प्राप्त होता है तो वो रुद्रदामा का अभिलेख है, क्योंकि परिणति यही है, व्यवस्था वही है, व्याख्या वही है, चित्रण वही है जो कि हम सुनामी में सामान्यतया पाते हैं। आप भी देखेंगे कि सुनामी का परिणाम क्या हुआ कि कई सारी जो जगह है वो पानी से आच्छादित है और कई ऐसी नई जगह निकल कर आ गई। तो जब ये बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद जब सारा पानी निकल गया इस झील से, तो इस झील का अता पता ही नहीं रहा। कवि ने स्वयं, उस लेखक ने स्वयं उसकी ओर निर्देश दिया है और अंत में जो ये शब्द निर्माण किया लिखा है कि मरुधन्व कल्पम, अर्थात मरुधन्व कहते हैं मरुस्थल को जो डेजर्ट है, डेजर्ट की तरह लग रहा होगा, कहीं पानी नहीं, पत्थर बिखरे पड़े होंगे, धूल धूल मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रहा होगा, जो प्रजाओं में हाहाकार अभी आएगा, पंक्ति भी आएगी, हाहा भूतासु प्रजासु, कि जब ये झील की ऐसी स्थिति हो गई तो प्रजाओं में हाहाकार मच गया। अब प्रजाओं में हाहाकार क्यों मचा होगा, या तो पेयजल नहीं रह गया होगा, या नहीं तो उनकी अन्य जो आवश्यकताएं होती थी, चाहे वो सिंचाई की आवश्यकता हो या पानी को बाहर छोड़े जाने की, जिस किसी भी, चाहे वो मछली पालन की व्यवस्था हो, मतलब उसका जो भी महत्व रहा हो, प्रजा को इससे महान हानि हो रही थी, इसलिए प्रजाओं में हाहाकार मच गया था। और प्रजा के उस हाहाकार को सुनने के बाद रुद्रदामा ने इस झील के जीर्णोद्धार का, इस झील के पुनर्निर्माण की योजना बनाई, जिसमें कि इनको बाद में हम देखते हैं कि काफी सेटबैक लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग, मतलब कई सारे लोगों ने मना कर दिया इस झील के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन फिर भी इस झील का निर्माण हुआ है। अस्तु मित्रों, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस अभिलेख के विषय में हमने अभी जो जाना है उसका सार अभी आप लोगों के सामने है, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो सार है जो अभिलेख का हमने विषय क्या देखा कि महाक्षत्रप रुद्रदामा के द्वारा परिष्कृत सेतु का इतिहास हम पाते हैं, जैसे इतिहास की चर्चा भी आप लोगों के सामने हमने की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक वैश्य पुष्यगुप्त पब्लिक पुष्पगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, अशोक के प्रांतीय शासक यवनराज तुषास्प के द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया, और मतलब इसी तरह से हम इस रुद्रदामा के अभिलेख की चर्चा, इसके जो आगे का पैराग्राफ है, आगे का जो टेक्स्ट है, हम उसे नेक्स्ट अपने अगले व्याख्यान में अपनी चर्चा में लाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप देखें तो इतना लाइव, इतना सजीव अभिलेख हम नहीं पाते हैं। हमारा एसोसिएशन बन जाता है उस काल से, जिस प्रकार आंधी तूफान की चर्चा, जिस प्रकार पेड़ों के उखड़ने और महल के गिरने की चर्चा है, इससे ऐसा लगता है कि हम उसी समाज में चले गए रहे हों। मित्रों, इसकी रोचकता बनी रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस अभिलेख की रोचकता को हम बनाए रखें और तदनुसार हम इस अभिलेख के ऐतिहासिक महत्व और साहित्यिक महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसी तरह इस परिचर्चा को, इस व्याख्यान को सुनते रहें और अपनी क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया आवश्यक रूप में भेजते रहें। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।